IPL 2023 का मैच नंबर 12 भैया किसी टीम के फैंस का दिन बना देगा, किसी टीम के फैंस के रात के 12 बजा देगा, क्योंकि दिस इज द एल क्लासिको ऑफ IPL, दिस इज मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स, और मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े के मैदान पर, मुंबई के घर, मुंबई के गढ़ में। और भैया जब मुकाबला होगा उनके घर में तो वो जीतना चाहते हैं, वो जीतना जानते हैं, लेकिन CSK टीम है भैया ये भी किसी से कम नहीं है, तो दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो लॉक एंड लोडेड, दिस इज द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ IPL। और ऐसे में हम करने वाले हैं यहां पर अब प्लेइंग 11 कंपैरिजन, प्लेइंग 11 बताएंगे और अपनी प्रेडिक्शन भी देकर जाएंगे। प्रेडिक्शन आप लोगों की मतलब दया है, आप लोगों की कृपा है, आप लोगों की दुआ है भैया, काफी सही जा रही है इस IPL में और उम्मीद है कि ऐसे जाती भी रहे और उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन 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 इसके पहले कि हम शुरुआत करें, कुछ बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हाल फिलहाल में, या फिर मैं कह सकता हूं शायद रूमर्स यहां पर हाल फिलहाल में उठते हुए आए थे, जो कि MI फैंस के लिए बड़ा झटका हो सकती है। क्या है पूरी कहानी सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक्चुअली हमारे टेलीग्राम का है और वहां पर आपको बहुत सारी खबरें, न्यूज एंड रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं जो इस पूरे IPL हम कवर कर रहे हैं। तो फटाफट से जाएं, हमें ज्वाइन करें, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट, द बिगेस्ट अपडेट जो हाल फिलहाल में आई, एक्चुअली जो कल रात में आई, और रिपोर्ट ने यहां पर क्लेम किया है कि जोफ्रा आर्चर कहीं ना कहीं रिपोर्टेडली इंजर्ड हैं और आज के मुकाबले को, आज के एल क्लासिको को मिस कर सकते हैं, क्योंकि शायद उन्हें एक बार फिर से एल्बो इंजरी हो गई है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स का यह भी क्लेम करना था कि भैया वो हाल फिलहाल में आपको MI के ट्रेनिंग कैंप्स में भी नहीं नजर आए थे, वो वानखेड़े पर प्रैक्टिस भी करते हुए नहीं देखे गए हैं। तो आखिर पूरा माजरा क्या है, क्या चल रहा है ऐसे में, और अगर जोफ्रा आर्चर ये मुकाबला मिस करते हैं, अगर ये रिपोर्ट सही हैं, तो ये कितना बड़ा झटका होगा MI फैंस के लिए। खैर दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूं जो मुझे पता है, और मुझे ये बताया गया है कि कायरन पोलार्ड ने कंफर्म किया है कि सभी खिलाड़ी अवेलेबल हैं और आज के मुकाबले में सिलेक्शन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ बैटिंग कोच कायरन पोलार्ड ये कह रहे हैं कि सभी खिलाड़ी अवेलेबल है, दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है। सो इट इज वेरी मेसी सिचुएशन, वी रियली डोंट नो कि एक्चुअल चीजें क्या हैं, लेकिन जैसे मेरे पास कोई अपडेट आएगी, जैसे मेरे पास कोई भी रिपोर्ट आएगी, पल पल की खबर आज पूरे दिन मैं आप लोगों से हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहूंगा, जिसका लिंक वंस अगेन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, DRCRICPOINT, आप जाकर सर्च कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, पल पल की खबरें देता रहूंगा जोफ्रा आर्चर पर, जितनी अपडेट आएंगी, जो मैदान से एक्सक्लूसिव वीडियोस एंड फोटोज आएंगे सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसे में बात करते हैं आज दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द मुंबई इंडियंस। तो भैया मुंबई इंडियंस में क्या बदलाव हो सकता है, कुछ बदलाव होने वाले हैं। अब सबसे पहले तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, कैमरॉन ग्रीन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, अर्शद खान आई थिंक फिक्स है, वैसे अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है वो ये है कि ऋतिक शौकीन की जगह एक्चुअली कुमार कार्तिकेय खेल सकते हैं। कुमार कार्तिकेय से MI मैनेजमेंट काफी इंप्रेस्ड नजर आ रहा है, ऐसा मुझे सुनने में आया है, सो ही माइट प्ले दिस गेम। और उसके बाद पीयूष चावला खेल सकते हैं, एंड देन अगर जोफ्रा आर्चर फिट है तो वो खेलेंगे, नहीं तो फिर रिले मेरेडिथ खेल सकते हैं, एंड देन जेसन बैरनडॉर्फ आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे MI टीम के। लेकिन मेरा ये मानना है कि जोफ्रा आर्चर फिट है, पर देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आज दिन भर में आती है। खैर इसके बाद दोस्तों बात करें फटाफट से यहां पर CSK टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखिए ये तो जीत कर ही आ रहे हैं, तो जीत के मोमेंटम को बदलना तो नहीं चाहते, लेकिन कुछ बदलाव कंडीशंस वाइज हो सकते हैं। ये वानखेड़े का मैदान है, पिच फ्रेंडली पिच शुरुआत में हो सकती है, सो दिस टीम माइट ऑप्ट फॉर सिसंडा मगाला इन रिप्लेसमेंट ऑफ मिचेल सैंडर। सैंडर की जगह आपको मगाला देखने को मिल सकते हैं, बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता ये टीम कोई खास ज्यादा बदलाव करेगी। और राजवर्धन हंगरगेकर मुकाबला खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो कुछ इसी तरीके की प्लेइंग 11 ओवरऑल मतलब होने वाली है, और इससे ज्यादा मैं बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। हालांकि इंपैक्ट प्लेयर में डेफिनेटली इधर उधर टीमें जाएंगी, वो एक अलग सिनेरियो है जिसको आप अच्छे से समझते हैं। खैर ऐसे में दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों टीमों के, तो ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं कैप्टन वर्सेस कैप्टन कंपैरिजन से। और भैया कंपैरिजन होगा, एक तरफ रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी, 4 IPL ट्रॉफी, दूसरी तरफ है हिटमैन शर्मा विद द 5 IPL ट्रॉफी। भैया बेस्ट वर्सेस बेस्ट का बेस्टम बेस्ट कंपैरिजन करते हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रोहित शर्मा। विन परसेंटेज 56 का है, पिछला मुकाबला हार करा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, पिछला मुकाबला जीत करा रहे हैं, विन परसेंटेज है IPL में 58 का। तो आंकड़ों में भी आगे निकल रहे हैं, मोमेंटम में भी आगे निकल रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्म में भी आगे निकल रहे हैं। हिटमैन का डेफिनेटली ये घर है, उनका
रिकॉर्ड है तो उस चीज के उनको अंक मिलते हैं, बट स्टिल इफ इट इज ऑल अबाउट कैप्टेंसी तो कैप्टन कूल भैया कहां, मतलब इन स्किन के आगे कहां कुछ आता है भैया। एजुकेशन थोड़ी सी क्रिकेट की और कप्तानी की इनके आगे होती नहीं है, यहीं तक खत्म हो जाती है। तो डेफिनेटली दोस्तों एमएस धोनी इज गोइंग टू बी माय पिक। और इनफैक्ट अगर आप वैसे थोड़ा सा हेड टू हेड देखेंगे भैया दोनों टीमों का, तो उसमें आपको नजर आएगा कि एमआई का पड़ला वैसे ज्यादा भारी रहता है। और वानखेड़े के मैदान पर तो एक्चुअली में 10 मुकाबले हुए हैं और 7 मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, तो आज क्या होगा, कौन जीतेगा, चलिए हम बताएंगे, हम अपनी प्रिडिक्शन करके जाएंगे। लेकिन अगर रही बात यहां पर कप्तानी की, तो डेफिनेटली एमएसडी के साथ मैं जा रहा हूं। और कैप्टनसी रेटिंग्स में महेंद्र सिंह धोनी को मिलते हैं 4.8 स्टार, आई मीन दिस इज द हाईएस्ट जो हम किसी को भी देते हैं। और उसके बाद यहां पर हिटमैन को मिलते हैं 4.7 स्टार, क्योंकि आंकड़े तो उनके भी लाजवाब है, उनके भी कमाल है। लेकिन इसके बाद चलिए बात करते हैं टॉप ऑर्डर कंपैरिजन को लेकर। लेकिन उसके पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अ वेरी क्विक कि भैया अगर आप टॉप क्वालिटी फैंसी टीम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्रिएट करना है विजय भाई एप्लीकेशन पर। हम क्रिएट कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, अब मैं कल आपको बताता हूं, मतलब लिटरली बता रहा हूं भाई। कल मेरी टीम फैंसी टीम के ना जो कप्तान थे वो एडन माक्रम थे, पहली गेंद पर बंदा आउट हुआ था और लोग क्या कहते हैं कि कप्तान आउट हो गया तब तो फिर खत्म, फिर आप कहां जीतने वाले हो। ट्रस्ट मी भाई, मैंने 5 कॉन्टेस्ट में सिर्फ पार्टिसिपेट किया था और 3 में मैं तब भी जीता था। दिस इज द क्वालिटी ऑफ विजय भाव ऐप, क्योंकि कंपटीशन इतना कम है ना भाई कि हमारे वाइस कैप्टन ने भी परफॉर्म कर दिया तो हम जीत गए। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए भाई, आपको जीत चाहिए, आपको यहां पर अपने प्रॉफिट से मतलब है, और वो चीज विजय भाव एप्लीकेशन पर आपको दिल खोल कर मिल रही है। लेकिन आप जाओगे बड़े बड़े ऐप्स पे और वहां पर जाके क्या करोगे कि आप जितने पैसे लगाओगे उतना ही आपको रिटर्न मिलता है या फिर उससे इधर उधर थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन यहां पर अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी टीम बना रहे हो ना तो आपको 4-8 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो किस बात का इंतजार है यार। विजय भाव वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशंस है, फटाफट से आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जाइए तुरंत से तुरंत यहां पर डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। और फिर फैंटेसी टीम तो हमारे फैंटेसी चैनल पर मिलती रहती है, तो वहां पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और वहां के एनालिसिस का इस्तेमाल करके टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम बनाइए और अभी से आज से इस एल क्लासिको मुकाबले से जीतना स्टार्ट करिए। खैर इसके बाद हम बात करें दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर कंपैरिजन के बारे में। तो एक तरफ आपको एमआई में नजर आएंगे हिटमैन, ईशान एंड कैमरॉन ग्रीन, तो दूसरी तरफ सीएसके में है कॉनवे, गायकवाड एंड बेन स्टोक्स। व्हाट अ कंपैरिजन भाई, मजा ही आ रहा है मेरे को आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉनवे बनाम रोहित, देखिए जो फॉर्म है वो कॉनवे के साथ है, रोहित थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन अपने घर पर आ रहे हैं, यहां से फॉर्म को कैरी करना चाहेंगे, मोमेंटम कैरी करना चाहेंगे, बट सो फॉर नॉट सो गुड और इस वक्त की फॉर्म भी अच्छी नहीं है। तो कॉनवे इज गोइंग टू बी माई पिक फॉर दिस गेम और उन्हीं के वे में, उन्हीं के रास्ते में मैं आगे बढ़ूंगा। तो डेवॉन कॉनवे इस मैच के लिए मेरी पिक है एंड देन ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन में डेफिनेटली गायकवाड़, कोई कंपैरिजन नहीं है। ईशान किशन भले अपने घर पर आ रहे हैं, अब अच्छा कर सकते हैं इस मैच में, पर गायकवाड़ कर रहे हैं एंड दैट डज काउंट। तो ऐसे में इसके बाद बात करें बेन स्टोक्स बनाम कैमरॉन ग्रीन, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कंपैरिजन क्योंकि स्टोक्स के बल्ले से रन आ नहीं रहे हैं और मतलब वही सेम चीज वैसे कैमरॉन ग्रीन के भी साथ है, परंतु आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कैमरॉन ग्रीन से ऐसी पिचेस पर मैं ज्यादा उम्मीदें करता हूं परफॉर्मेंस की, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऐसे में थोड़ा सा कहना वैसे मुश्किल है कि यहां से आपको कोई कौन सा पिक खिलाड़ी पिक करना है क्योंकि फॉर्म दोनों की नहीं है, लेकिन दोनों ही एक तरीके के विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं और दोनों ही मैच विनर अपने दिन पर हो भी सकते हैं। लेकिन इसके पहले वानखेड़े पर एक मुकाबला खेला था कैमरॉन ग्रीन ने, आई थिंक ओडीआई मैच था, 12 रन बनाए थे, तो वहां पर भी उनकी लय थी नहीं, बट स्टिल चलिए ग्रीन को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा, पर यहां पर कोई खास ज्यादा कंपैरिजन हो नहीं सकता। लेकिन अगर रही बात टॉप ऑर्डर रेटिंग्स के बारे में, तो डेफिनेटली जो सीएसके का पड़ा है वो काफी ज्यादा भारी है ओवरऑल और यहां पर सीएसके को मिलते हैं 4.6 स्टार और एमआई को मिलते हैं 4 स्टार क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर अब तक बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है, वहीं पर सीएसके के टॉप ऑर्डर ने ही मोस्टली टीम के विन में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और इसके बाद दोस्तों बात करें दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन के बारे में। एमआई टीम में आपको नजर आएंगे यहां पर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड एंड मे बी अर्शद खान, देखना है टीम यहां पर किसको खिलाती है। और उसके बाद आपको एक्चुअली सीएसके में नजर आएंगे अंबाती, मोइन, जडेजा एंड शिवम दुबे। चलिए फटाफट से कंपैरिजन करूंगा, समय नहीं लूंगा, लेट्स स्टार्ट विद द अंबाती, रैडू और सूर्य कुमार यादव। एक्चुअली डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पिक स्काई फॉर दिस गेम, मतलब देखिए थोड़ा सा बात यह है ना कि फॉर्म दोनों की नहीं है, पर अंबाती रैडू के मैं वानखेड़े में आंकड़े देख रहा था आईपीएल के और लगभग 20-20 की एवरेज है और 120-30 का स्ट्राइक रेट है, तो इनफैक्ट मतलब इस मैदान पर भी कोई बहुत अच्छे आंकड़े तो अंबाती रैडू भी नहीं रखते हैं और फॉर्म उनके साथ भी नहीं है, फॉर्म स्काई के भी साथ नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उस खिलाड़ी को बैक करूंगा जिसका होम मतलब ग्राउंड है और जिससे परफॉर्मेंस की इस मैच में ज्यादा उम्मीदें हैं, तो स्काई के साथ दोस्तों मैं यहां पर जा रहा हूं। और उसके बाद कंपैरिजन होगा मोइन अली का तिलक वर्मा से, तो यहां पर ऑब्वियसली आई विल गो विद तिलक वर्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन होम वेन्यू एंड सेकंड उनकी
जो फॉर्म है बल्ले के साथ, मैं बल्ले की बात कर रहा हूं। अब मोइन अली ने पिछले मैच में गेंद के साथ कमाल किया था, बट बैटिंग वैल्यू में ज्यादा रन यहां पर तिलक के बल्ले से आ रहे हैं, तो उनके साथ मैं जाना पसंद करूंगा। देन टिम डेविड एंड अप अगेंस्ट रविंद्र सरजडेजा। देखिए टिम डेविड की इस वक्त की फॉर्म ना लाजवाब है, उनको उतने मौके नहीं मिले हैं, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि नेट्स में मैंने देखा और टिम डेविड ने एकदम ब्लास्ट कर रहे थे, और अगर इस तरीके से वो वानखेड़े के मैदान पर उतर गए ना, और वानखेड़े में एक्चुअली उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बेसिकली इस पूरे सिनेरियो में एमआई के लिए, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कंडीशंस बहुत ज्यादा फेवर करेंगी टिम डेविड को और ये इस मुकाबले के सुपरस्टार हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी फैंसी टीम क्रिएट कर रहे हो विजय भाव पर तो टिम डेविड को ड्रॉप मत करना, ये मेरा आज का आपको सजेशन है। वैसे मैं फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए। खैर ऐसे में दोस्तों बात करते हैं इसके बाद हम यहां पर शिवम दुबे और अर्शद खान के कंपैरिजन की, तो ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू बैटिंग डिपार्टमेंट मेरी पिक यहां से शिवम दुबे ही होने वाले हैं। और ऐसे में अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो आप कहीं ना कहीं शायद यहां पर कह सकते हो कि एमआई का पड़ला थोड़ा सा मुझे ओवरऑल विद द होल टीम स्ट्रक्चर और कंसीडरिंग कि ये उनका होम वेन्यू है मुझे ज्यादा भारी नजर आ रहा है, और इसलिए मैं एमआई को दूंगा 4.6 स्टार और सीएसके को मिलते हैं 4.5। दोनों ही बहुत ही ब्लास्ट लाइनअप रखते हैं, लेकिन चलने की बात है कि चलेगा कौन, जो चलेगा वो चमकेगा। और इसके बाद बात हो यहां पर ऑलराउंडर कंपैरिजन के बारे में, तो सीएसके टीम में आपको नजर आएंगे मोइन अली, बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मिचेल सैंडनर, अगर मगाला नहीं खेलते हैं तो सैंडनर खेलेंगे, और ऑप्शंस बहुत है सीएसके के पास। एमआई के पास है ग्रीन, टिम डेविड, अर्शद खान। अब देखिए विकल्पों की कमी है, तो पहली बात उस चीज का सीएसके को काफी ज्यादा एडवांटेज होगा। देन लेट्स कम टू द कंपैरिजन, मोइन अली, कैमरॉन ग्रीन, मैं जाऊंगा अली के साथ क्योंकि अली ने बॉल के साथ ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन कंपैरिजन टू कैमरॉन ग्रीन। एंड डू नॉट फॉरगेट कि सामने आपको थोड़े से और जो है लेफ्ट हैंडर्स नजर आएंगे, यहां पर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको तंग कर सकते हैं थोड़ा सा मोइन अली, तो आई एम स्टिल गोइंग विथ हिम फॉर दिस गेम। और उसके बाद दोस्तों बात करें यहां पर शिवम दुबे और अर्शद खान की, तो ऑब्वियसली मैं शिवम दुबे के साथ जाऊंगा, ज्यादा बेटर ऑलराउंडर है, और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हो कि एक्चुअली बहुत बड़े मार्जिन से सीएसके का ऑलराउंड डिपार्टमेंट में पड़ा भारी, और इसीलिए सीएसके को मिलते हैं 4.5 स्टार और एमआई को मिलते हैं मात्र 3.8। पहली बात तो विकल्प कम है और जो विकल्प है भी उसमें भी सीएसके का पड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। और ऐसे में चलिए लगे हाथ तोल लेते हैं दोनों टीमों के स्पिन डिपार्टमेंट को भी, तो भैया आप नजर आएंगे एमआई टीम में ऋतिक शौकीन या फिर पीयूष चावला, वैसे ऋतिक की जगह कुमार कार्तिकेय भी खेल सकते हैं, उनके स्पिन डिपार्टमेंट से मतलब काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है एमआई का खेमा। और उसके बाद सीएसके टीम में मोइन अली, रविंद्र जडेजा एंड मे बी मिचेल सैंडनर, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। खैर कंपैरिजन की बात करते हैं तो मोइन अली, ऋतिक शौकीन, अब मोइन अली इज इन फॉर्म, सो ऑब्वियसली मैं मोइन अली के साथ जाऊंगा। विकेट्स मिडिल ऑर्डर्स में, मिडिल ओवर्स में अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं, हालांकि ये उतनी सरफेस ऐसी रहेगी नहीं जो बहुत स्पिन फ्रेंडली हो, बट स्टिल कह सकते हैं कि भैया फॉर्म के साथ उन्हीं के जाऊंगा। और उसके बाद जड्डू और पीयूष में, ऑब्वियसली पीयूष, क्योंकि देखिए जड्डू की ना एक्चुअली वो अपनी गेंद के साथ गेंदबाजी में फॉर्म है नहीं, लय है नहीं, एटलीस्ट अब तक नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे यहां से पीयूष चावला ही पिक करना है, क्योंकि पीयूष चावला के कुछ मैचअप्स ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगेंस्ट अंबाती रायडू। अब ये सारी टिप्स मैं आपको इसीलिए देता रहता हूं ताकि अगर आप फैंटेसी टीम क्रिएट करने जा रहे हो ना विजय भाव ऐप पर, तो वहां पर ये सारी टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। बाकी सारा आपको पता है चैनल पर मिलती रहेगी, हमारे दूसरे फैंटेसी चैनल पर मिलती रहेगी। खैर ऐसे में दोस्तों बात करें दोनों टीमों के स्पिन कंपैरिजन के बारे में, तो स्पिनर्स के तौर पर आपको यहां पर रेटिंग्स जो देनी है, निश्चित तौर पर सीएसके का पड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज्यादा है, तो 4.1 स्टार यहां पर सीएसके को मिलते हैं, एमआई को मिलते हैं 4 स्टार। एंड अगर सैंडनर नहीं खेलते हैं तो फिर आप यहां पर इक्वल इक्वल कह सकते हो दोनों टीमों के स्पिन डिपार्टमेंट को। खैर ऐसे में दोस्तों इसके बाद हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेस कंपैरिजन, चलिए सीएसके में नजर आ रहे हैं आपको दीपक चहर, हंगर गेकर, शिवम दुबे एंड बेन स्टोक्स। एमआई के पास है ग्रीन, खान एंड जोफ्रा एंड जेसन बैरनडॉर्फ, तो अगर जोफ्रा खेल रहे हैं तो मुझे तो लगता है बिल्कुल यहां पर पड़ला एमआई के पेसर्स का काफी ज्यादा भारी है, पर अगर जोफ्रा नहीं खेलेंगे तब यहां पर दिक्कत होगी। खैर ऐसे में अभी कंपैरिजन करते हैं, तो भैया चहर और अर्शद खान में डेफिनेटली आई विल गो विद चहर, क्योंकि उनके पास ज्यादा बेहतर स्विंग है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, विकेट टेकर है, और क्योंकि इन कंडीशंस में अर्ली ऑन स्विंग मिल सकती है, अगर पहली पारी में सीएसके गेंदबाजी करे तो इनको स्विंग मिल सकती है, एंड दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर दीपक चहर, माफ कीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों कंपैरिजन करें यहां पर जेसन आर्चर और हंगर गेकर का, इनका भी तो कर लेते हैं, आर्चर, जोफ्रा आर्चर, हंगर गेकर, कोई कंपैरिजन नहीं है, जोफ्रा आर्चर फॉर श्योर अगर फिट है तो पिक्चर सुपर हिट है यहां पर एमआई के लिए, भैया विकेटों की झड़ी लगा सकते हैं। और उसके बाद जेसन बैरनडॉर्फ और स्टोक्स के बीच, ऑब्वियसली आई विल गो विद जेसन बैरनडॉर्फ बिकॉज यस, मतलब एज अ लेफ्ट आर्म पेसर जेसन बैरनडॉर्फ के लिए ये पिच बहुत सुटेबल रहेगी, एमआई की पिच मुझे लगता है वानखेड़े का मैदान उनके लिए कारगर साबित हो सकता है, और इसीलिए मतलब इन पर थोड़ा सा आपको निगाहें इस मुकाबले में बनाकर रखनी है, क्योंकि अच्छी
कमी है, अच्छे विकेट टेकिंग एक्सपीरियंस है और अच्छे तरीके से विकेट चटकाते भी हैं। खैर ऐसे में इसके बाद बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपैरिजन कैमरॉन ग्रीन दुबे, ऑब्वियसली कैमरॉन ग्रीन क्योंकि गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट टेकर जो मतलब बहुत बेहतर कर सकते हैं। ही इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ एमआई टीम और मतलब जिस तरीके से उस खिलाड़ी पर बैन कर रहे हैं आप उम्मीद कर सकते हैं कि गेंद के भी साथ भी उनका सहयोग टीम को खासा मिलेगा। खैर ऐसे में दोस्तों बात करें यहां पर पेस कंपैरिजन की तो निश्चित तौर पर एमआई का पड़ा पेस में ज्यादा भारी। एक्चुअली ना सच्चाई यह है कि दोनों टीमों का पेस अटैक बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब वो दोनों खराब में से कौन कम खराब, तो वो चीज में मुझे लगता है एमआई टीम के पास यहां पर ज्यादा रेटिंग्स रहेंगी। 4.2 स्टार मिलते हैं एमआई को, सीएसके को 4 स्टार क्योंकि मतलब देखिए पेस अटैक दोनों का अच्छा नहीं और इंप्रोवाइजेशन की जरूरत है, लेकिन क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो एमआई के पक्ष में है तो निश्चित तौर पर यहां पर एमआई आगे निकलेगी। खैर ऐसे में दोस्तों बात करें दोनों टीमों के फाइनल रेटिंग्स के बारे में तो निश्चित तौर पर नीचे आते हुए यहां पर एमआई ने कमबैक किया है, पर ऊपर जो है काफी ज्यादा पड़ला भारी है सीएसके का और उसका बड़ा कारण यह है कि इस टीम का टॉप ऑर्डर फायर कर रहा है और एमआई का टॉप ऑर्डर मिस फायर हो रखा है, तो अगर आज वो फायर करेंगे तो फिर यहां पर एमआई के लिए बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी और जोफ्रा आर्चर की अवेलेबिलिटी भी बहुत कुछ डिसाइड करेगी। लेकिन फाइनल रेटिंग्स में भैया सीएसके को मिलते हैं 4.4 स्टार, एमआई को मिलते हैं 4.2 स्टार क्योंकि मुझे लगता है कि एमआई की बल्लेबाजी इनके लिए दिक्कत का विषय साबित हो रही है। लेकिन इसके पहले कि दोस्तों हम वीडियो एंड करें, चलिए करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेट्स डिस्कस द प्रेडिक्शंस। तीन क्विक प्रेडिक्शन फटाफट आपके सामने रखूंगा। मेरी पहली और बोल्ड प्रेडिक्शन आज के मैच की यह है कि स्टोक्स या फिर ग्रीन जो ये दो स्टार ऑलराउंडर्स हैं ना दोनों टीमों में, इनमें से कोई एक ना आज तहलका मचाएगा, मतलब और कोई एक का मेरा कहने का अर्थ ये भी आप समझ सकते हो कि कोई एक शायद फ्लॉप भी होगा, ये भी मान के चलिए, लेकिन कोई एक तहलका भी मचाएगा। सो इट इज लाइक वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और इसके बाद हम बात करें यहां पर मेरी दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में, तो दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि तीन या फिर तीन से अधिक विकेटें पावर प्ले में गिरेंगी। वंस अगेन अ बोल्ड प्रेडिक्शन और आप कहोगे कैसे, कारण ये है ना क्योंकि यहां विकेटें गिरती नहीं है उतनी, यहां रन बनते हैं, ये थोड़ा सा वानखेड़े का मैदान है और वो भी पहला मैच है, पर फिर भी मुझे लगता है अर्ली ऑन अगर पेस और स्विंग थोड़ा सा भी मिला ना तो थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे बल्लेबाज। तीन विकेटें दोनों पावर प्ले में गिर सकती हैं। और उसके बाद दोस्तों बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेडिक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन की कौन जीत रहा है ये मुकाबला। अब निश्चित तौर पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके टीम के पास जो मोमेंटम है वो तो उनके साथ है, पर होम फेवरेट्स यहां पर एमआई ही हैं एंड अगर जोफ्रा आर्चर ये मुकाबला खेलते हैं तो एमआई मुझे लगता है ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन अगर वो नहीं खेलेंगे तो फिर यहां पर भाई मैं कुछ खास ज्यादा नहीं कह सकता। तो डेफिनेटली लेट मी क्लियर इट वेरी क्लियरली कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जोफ्रा खेल रहे हैं या नहीं, ये बात मेरी फिर से सुन लीजिए, अगर जोफ्रा खेलते हैं तो एमआई मुझे लगता है जीतेगी, अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो कहना मेरे भाई मुश्किल है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि मुकाबले में क्या होता है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। विजय भाव एप्लीकेशन आपका एकमात्र फैंटेसी डेस्टिनेशन इस पूरे इंडियन टी20 लीग में होना चाहिए, जाइए फटाक से डाउनलोड करिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।